राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीस सांसदों का प्रतिनिधि मंडल उन्तीस जुलाई यानी शनिवार सुबह मणिपुर के इम्फॉल रवाना हो गया वहाँ तीस जुलाई तक रहेगा ये सांसद पहले जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे राज्य में तीन महीनों से जारी हिंसा और यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने इन 20 सांसदों को इस दौरे की परमिशन नहीं दी है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं को एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है उधर मैतेई समुदाय से जुड़ा एक ग्रुप कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेट आज इम्फॉल से एक रैली निकालेगा राज्य में तीन मई से कुकी और मेत समुदाय के बीच जारी हिंसा अब सुरक्षा बलों की ओर मुड़ गई है बीते 24 घंटों में विष्णुपुर और चुराचांद जिलों में सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई हमलावरों ने लगभग 200 सौ देशी बम गिराए विष्णुपुर के थाने के चार अलग अलग स्थानों पर हुई भिड़त में तीन लोगों की जान चली गई है वहीं गुरुवार को भी दो की मौत हो गई थी सेना और मणिपुर पुलिस के एक एक कमांडो सहित पांच लोग घायल हैं। पहली बार देखने में आ रहा है कि हथियारबंद हमलावर भीड़ बीएसएफ और अर्धसैनिक बलों को सीधा निशाना बना रही है पुलिस को आशंका है कि हमले में उग्रवादी कैडर शामिल हो सकता है क्योंकि इतने बड़े हमलों को भीड़ अंजाम नहीं दे सकती अर्धसैनिक बलों की मदद के लिए सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के जवान भी मौके पर भेजे गए हैं इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिवो ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के नेताओं से अपील की है कि वे मणिपुर के मामले में दखल न दें इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद